नमस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान नॉर्थ फेसिंग होम प्लान रहेगा, यानी कि उत्तरमुखी घर का नक्शा। काफी लोग कमेंट कर रहे थे, सर ग्रामीण क्षेत्र में या बड़े प्लाट में घर कैसे बनाएं वास्तु के अकॉर्डिंग। मुख्य जो सड़क है इस प्लान की वो है नॉर्थ की तरफ। किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख्य सड़क आगे से जा रही है। ठीक है, प्लाट की जो लंबाई चौड़ाई हमने कवर की है, बड़ा प्लाट है या ग्रामीण क्षेत्र में आपकी खुली जमीन है तो आप आराम से इसके अकॉर्डिंग घर बना सकते हैं। प्लाट की जो लंबाई कवर की गई है वो है 40 फीट, इधर से भी 40 फीट कवर की गई है, 37 फीट चौड़ाई कवर की गई है, पीछे से भी 37 फीट चौड़ाई कवर की गई है। तो कितना एरिया हमने कवर किया है? 37 बाई 40 फीट एरिया कवर किया है उत्तरमुखी घर बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो आप बाहर दीवारें देख रहे हैं, ये जो वाल रहेगी इसकी, ये 9 इंच की रहेगी वाल चारों तरफ की। अंदर की जितनी भी वाल रहती है वो आप 5 इंच की रख सकते हैं पूरा घर बनाने हेतु। जब भी हम किसी घर का निर्माण करते हैं मुख्य रहता है वास्तु, और वास्तु होता है दिशा के अनुरूप। आज का उत्तरमुखी घर है तो उत्तर दिशा है हमारे घर की, तो कैसे हमें घर बनाना है आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मेन डोर हमने यहां पर दिया है मुख्य द्वार घर का। ठीक है, जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे बाहर की तरफ आप देखेंगे, बाहर की तरफ एक सीटर दिया गया है, यानी बैठने के लिए जगह है। कोई भी अगर गेस्ट आता है तो सिंगल दो आपका सीटर यहाँ पर सोफा सेट हो जाएगा बैठने के लिए। उसके बाद में आप अंदर एंटर करते हैं, मुख्य चौखट आपकी यहाँ पर लगेगी। मेन जो घर के अंदर का दरवाजा है वो यहाँ लगेगा। दरवाजे की जो इधर की दीवार है वहां पर एक विंडो आ जाएगी, एक खिड़की जो आपकी बाहर की तरफ खुल जाएगी। ये आपका पूरा लिविंग एरिया रहेगा। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे ये पूरा आपका हॉल यानी कि लिविंग एरिया रहेगा। यहाँ पर सोफे वगैरह आराम से आपके सेट हो जाएंगे। ये विंडो रहेगी फ्रंट में, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। इस दीवार से लेकर यहाँ तक पूरा आपका हॉल रहेगा, ब्रह्मस्थान है ये पूरा यहाँ तक। और ये आपका डाइनिंग एरिया है, यानी कि खाने की टेबल, यानी कि 8 सीटर, यानी 8 जने बैठकर आराम से फुल बड़ी फैमिली यहाँ पर खाना खा सकती है। डाइनिंग एरिया है। एक विंडो हमारे इस साइड के ओपन एरिया में ओपन कर दी गई है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। अब देखिए, आप इधर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ये आपका आ गया है स्टडी रूम। ठीक है, स्टडी रूम विथ विथ पूजा घर। अब यहां पर क्यों दिया गया है? क्योंकि ईशान कॉर्नर है, यहां पर जहां पर स्वास्तिक आपको दिख रहा है वहां पर आपको पूजा घर बनाना है। एक बड़ी विंडो आपको यहां पर ओपन करनी है और ये बच्चों का स्टडी रूम हो जाएगा। अगर बच्चे सोना चाहें तो सो भी सकते हैं यहाँ पर। आप वुड का बड़ा अपना मंदिर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो साइज है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस साइज का हमने यहाँ पर दिया है। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फीट और जो लंबाई है वो है 13 फीट। तो 12 बाई 13 का बड़ा आपका रूम रहेगा स्टडी रूम। उसका डोर यहाँ पर दरवाजा लग जाएगा, बाहर डाइनिंग एरिया है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एक डोर लग रहा है। डोर से जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अग्नि कॉर्नर आ रहा है। ये जो कॉर्नर है ये आपका पूरब दिशा और दक्षिण दिशा का कॉर्नर है, यानी कि ये कॉर्नर बन रहा है अग्नि कॉर्नर। ठीक है, अग्नि कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपका डोर लगेगा। यथास्थान अपना रसोई घर आपको बनाना है। वास्तु का कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी आप नक्शा बनवा रहे हैं, जिससे भी कोई भी आपके अच्छे वास्तुशास्त्री आसपास, उनसे ही नक्शा बनवाइए, क्योंकि घर देखिए बार बार नहीं बनता है, वास्तु का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका किचन बनेगा। किचन का जो मेजरमेंट है यानी लंबाई चौड़ाई वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हमने 11 फीट ऐसे इसकी लंबाई रहेगी, और जो ये चौड़ाई आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी ये 14 फीट रहेगी। तो आप देख रहे हैं 14 बाई 11 का बड़ा रसोई घर बनेगा। ठीक है, पीछे की तरफ ओपन एरिया है, उसमें जाने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है। पीछे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंग डोर रखा गया है पीछे जाने का। और यहाँ पर आपका गैस चूल्हा सेट हो जाएगा, यहाँ बर्तन धोने के लिए वाश एरिया सेट हो जाएगा। एक विंडो यहाँ, एक विंडो यहाँ और एक विंडो यहाँ आप दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी सीढ़ियां रहेगी पूरी। उसके बाद में आप इधर एंटर करते हैं तो आपका ये रूम आएगा, यहाँ पर डोर लगेगा, ये आपका बेडरूम यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये जो आपने 9 इंच की दो वाल दी है इधर दोनों तरफ आपके, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा। इसमें आप एक एक विंडो दे सकते हैं, विंडो आपको कवर रखनी है। बेड आपका यहाँ सेट हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 14 फीट हमने चौड़ाई कवर की है, और लंबाई की बात करते हैं तो 13 फीट कवर की गई है। ठीक है, तो 14 बाई 13 में बड़ा आपका रूम बन जाएगा। उसके बाद आप इधर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम सेट हो जाएगा। ठीक है,
लेट बात के हम साइज की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 5 फीट रहेगा। वेंटिलेशन विंडो और फैन आपका पीछे ओपन हो जाएगा, वेंटिलेशन विंडो। एक लेट बाथ हमने यहाँ पर दिया है, ये भी लेटरिन बाथरूम है, ये भी 5 फीट रहेगा, ठीक है। इसका भी वेंटिलेशन विंडो फैन ओपन हो जाएगा पीछे, दोनों कॉमन लेट बाथ रखे गए हैं। अगर आप किसी रूम में इसको अटैच रखना चाहते हैं, जैसे इस रूम में अटैच रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर आपका डोर लग जाएगा इस रूम का, ठीक है, ये आपका डोर लग गया और ये आपका बेडरूम हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट रूम, सेकंड और थर्ड रूम होगा। इस रूम में पूजा घर, ये स्टडी रूम है, पूजा घर अटैच है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, लिविंग एरिया, बड़ा हॉल है, पूरी लॉबी दी गई है ओपन, सिट आउट बाहर बैठने के लिए है। ग्राउंड फ्लोर का 37x40 में शानदार सा आपको प्लान दिया गया है। इसके रूम की मेजरमेंट की हम बात कर लेते हैं कि क्या लंबाई चौड़ाई, तो 14 फीट कवर की गई है और ऐसे लेकर यहाँ पर 13 फीट कवर की गई है, तो 14x13 का रूम है। एक विंडो इधर, एक विंडो इधर आप दे सकते हैं। ये विंडो यहाँ इसलिए दी गई है ताकि दरवाजे से क्रॉस वेंटिलेशन रहे, हवा पूरी अंदर तक जाए, और एक विंडो आप इधर दे सकते हैं, जैसा भी आपको उपयुक्त लगे। आज के लिए इतना ही। ग्राउंड फ्लोर का प्यारा सा प्लान आपको वास्तु के अकॉर्डिंग दिया गया है। हमें विश्वास है प्लान आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने समय निकालकर हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।